Hey there, how are you? Just mention in comment section. This video is about my first year experience with computer science engineering in NIT Patna. Do you know why am I making this video? Because so many people have a dream to crack JEE and taking admission in IITs as well as NITs. But the reality? क्लासेस की टेंशन, CGPA मेंटेन, क्लब का प्रेशर, YouTube, देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मैं कॉलेज में आने के बाद कर रहा था, बस पढ़ाई छोड़ के। JEE के टाइम पे मैंने जितने फोकस के साथ पढ़ाई की थी, यहाँ उसका 10% भी नहीं हो पा रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा मेरा, देखते हैं। The main thing is, I already told in my previous video, हमारी first semester की शुरुआत जो कि दिसंबर में शुरू हुई थी उसे फरवरी तक ख़त्म भी कर दिया गया था और हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमें किस स्पीड से पढ़ाया जा रहा था। कॉलेज में आने से पहले मैंने बहुत सुना था कि IITs NITs जैसे कॉलेज में बहुत फ्री टाइम देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक मुझे वो फ्री टाइम देखने को नहीं मिला था क्योंकि 6 months के सेमेस्टर को 3 months में कंप्लीट किया जा रहा था। अब क्लासेस के 75% का क्राइटेरिया हो या कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स, हमें यह कंप्लीट करना ही पड़ता था। प्रोफेसर्स जो भी क्लास में पढ़ाते हैं मोस्टली बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। फिर भी 75% के क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए क्लासेस तो करनी पड़ती थी। हम CSE वाले जहाँ अपने कोड में एरर से परेशान रहते थे, वहीं मैकेनिकल और सिविल वाले अपने असाइनमेंट में बने कॉम्प्लेक्स फिगर से डरते थे। अब हमसे ना यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी हो पा रही थी और ना ही CSE की एकेडमिक संभल पा रही थी। हाँ, पर हॉस्टल में हमारी मस्ती एक्सट्रीम लेवल पर चल रही थी। बाहर सड़क पर कोई बारात जा रही हो तो गेट के सामने खड़े होकर डांस करना, या किसी का बर्थडे हो तो फिर समझ ही रहे हो। खैर, फिर भी हम क्लास बंक करके एक दूसरे की प्रॉक्सी लगा करके अपने लिए फ्री टाइम निकाल ही लिया करते थे, आखिर इंजीनियर जो ठहरे। जैसे तैसे करके हमने अपने पहले सेमेस्टर को टाटा बाय बाय कर दिया। फिर आया सेकेंड सेमेस्टर और अब हमें पूरा एक्सपीरियंस हो गया था कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। बट जहां फर्स्ट सेमेस्टर में हमें तीन बड़े इवेंट्स एंजॉय करने का मौका मिला था, वहीं सेकेंड सेमेस्टर में भारी गर्मी पड़ने के कारण सूखा पड़ गया था। ड्यू टू दिस रीज़न सेकेंड सेमेस्टर हमारे लिए थोड़ा बोरिंग और एकेडमिक ओरिएंटेड रहा। बट आई होप फ्रेशर्स के आते ही ये इवेंट फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग में मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया, अब बहुत से लोग होंगे जो अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम होगी। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यार, एट द एंड सब ठीक हो जाता है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरे इन दोनों वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अगर तुमने इन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार। यहाँ कहीं आई बटन पर लिंक आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना। फिलहाल इस वीडियो को देखो। अब हमारी एंट्री हो चुकी थी सेकंड सेमेस्टर में, जहां हमारी क्लासेस ज़्यादा हो रही थी और मस्ती कम। पर हाँ, माना कि सेकंड सेमेस्टर में कल्चरल इवेंट्स नहीं हुए, पर टेक्निकल इवेंट्स जैसे कि NIT पटना का एनुअल हैकाथॉन बाइट वर्स, एंड हमारी नालंदा एंड राजगीर की ट्रिप भी सेकंड सेमेस्टर में ही हुई थी, उसका भी ब्लॉग बना हुआ है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख लेना। और इंट्राम्यूरल्स स्पोर्ट्स, पूरे फर्स्ट ईयर में हमें उतना तो फ्री टाइम नहीं मिला जितने फ्री टाइम के हम हकदार थे, पर आई होप सेकेंड ईयर से ऐसा ना हो। बट जो एक्सपीरियंस हमने अपने फर्स्ट ईयर में ले लिया,
वो मोमेंट एक अलग ही वाइब्स क्रिएट कर देता है। तो मिलते हैं फिर अपने सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स के बाद एक नए अवतार में, तब तक के लिए बाय। सो वीडियो देख लिए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, शेयर जरूर कर देना। चलो बाय।